अस्सलाम वालेकुम डियर बीबीए स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फाज सईद फ्रॉम टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू द सब्जेक्ट विच नेम इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स। जी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स बिजनेस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन का। जी लीनियर इक्वेशन एन अल्जेब्रिक इक्वेशन सच एज वाई इज़ इक्वल टू 2x + 7 और 3x + 2y इज़ इक्वल टू 10 इन विच हाइस्ट डिग्री टर्म इन द वेरिएबल और वेरिएबल इज़ ऑफ द 1 डिग्री। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। द ग्राफ ऑफ सच इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन इफ़ देयर आर 2 वेरिएबल्स। यानी कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स गिवन हैं तो उन वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट इक्वेशन को देखें, y इज़ इक्वल टू 2x + 7 है। लेट्स सपोज हम x की वैल्यू यहाँ पर लेट करते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें y का आंसर क्या मिलता है स्टूडेंट्स 7। इसी तरह से x की वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y का आंसर स्टूडेंट्स क्या मिलता है 9। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें y का आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 13। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अगर इसका ग्राफ ड्रा करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, 0 मतलब इस पॉइंट पर, और वाई का आंसर जो मिला हमें 7। लेट्स सपोज ये जो स्टेज है ये 7 है, ठीक है। इसी तरह जब हमने एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो वाई का आंसर हमें मिला 9। लेट्स सपोज ये स्टेज हमारी एक्स की 1 है और 9 कुछ यहाँ पर होगा, तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करके देखें तो ये पॉइंट बना। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू 2 की बजाय 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 3 6 + 7 13। तो 3 हम यहाँ पर ले सकते हैं 3 की वैल्यू, और अगर हम इसको और बढ़ाएं तो 13, लेट्स सपोज 13 इस पॉइंट पर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की शेप लेगा, तो ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो वो भी इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही लाया करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें 2 सब्स्टिट्यूट अप करता हूँ तो देखिए 11, y इज इक्वल टू 11। तो देखें अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 2 की सीक्वेंस में हम ले गए ऊपर, और 11 कहीं स्टूडेंट्स 13 और 9 के मिड में होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी उसी ग्राफ का हिस्सा बना। क्लियर हो गया कि हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स में तो हमेशा उनका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ST लाइन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x + 2 / 4 इज इक्वल टू 2x + 6 / 5। जी स्टूडेंट आंसर हमारे पास 1 है। हमें स्टूडेंट इसको एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इन 1 वेरिएबल वो कुछ इस तरह से होगी, ax + b इज इक्वल टू 0, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ax = b। आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी फ्रैक्शन फॉर्म मौजूद नहीं है। इट मीन्स हमें अपने इस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म हो और दरमियान में इक्वालिटी का साइन हो तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं 3x + 2 इज इक्वल टू 4 × 2x + 6। जी स्टूडेंट्स 15x +
10 is equal to 8x plus 24. जी स्टूडेंट्स, हमें x का आंसर चाहिए, तो आप ये देखें कि जो मैक्सिमम वेरिएबल है हमारे पास वो राइट हैंड साइड पर है। हम इस मिनिमम वेरिएबल वाली टर्म को इस तरफ ले आएंगे और 24 को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 8x माइनस 15x इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ आकर माइनस का 24, तो स्टूडेंट्स हमें मिला माइनस के 14 इज इक्वल टू माइनस के 7x, और माइनस 7 पर अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो 7 से कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से आंसर मिला 2, तो x इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट ये जो हमारे पास आंसर आया इस इक्वेशन का, यानी कि इसमें जो अननोन वेरिएबल था वो x था, बेसिकली हमने x का आंसर निकाला। ये इक्वेशंस हमें इस वक्त बता रही हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हमें क्या पता कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं, बिकॉज हमें तो दरमियान में एक्स दिया हुआ है। अगर आपको 6 = 6 लिखा जा सके तो आप लॉजिकली इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाकई ही इक्वल है। तो क्या ये टर्म्स वाकई ही इक्वल हैं? तो जो स्टूडेंट हमने अननोन वेरिएबल का आंसर निकाला, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और उसके बाद लेफ़्ट और राइट साइड्स हमारी इक्वल आ जाएँ, तो हम ये कहेंगे कि वाकई ही ये इस इक्वेशन का आंसर है, बिकॉज इस आंसर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो चेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या ये हमारा आंसर इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो जहां आपको x दिखेगा वहां आपने 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 6 + 2/4 इज इक्वल टू 4 + 6/5, 8/4 इज इक्वल टू 10/5, 4 × 4 = 8 and 5 × 5 = 10। जी स्टूडेंट्स, 2 = 2 आने का मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट बना इस इक्वेशन का वो 2 है, बिकॉज 2 ने इसको सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए स्टूडेंट, √x + 1 + √x - 1 / √x + 1 - √x - 1 = 3/2। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, √x + 1 + √x - 1 / √x + 1 - √x - 1 = 3/2। जी स्टूडेंट्स अगेन आप देख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, और राइट हैंड साइड पर भी फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों साइड्स पर फ्रैक्शन फॉर्म है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर प्रीवियस की तरह हमें अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, 2 × √x + 1 + √x - 1 is equal to 3 × √x + 1 - √x - 1 ब्रैकेट क्लोज। जी स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, is equal to 3 x plus 1 root and जी। तो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिए, हमारे पास दोनों एंड्स पर √x + 1, √x + 1, √x - 1 और √x - 1 मौजूद हैं। इट मीन्स हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से करना है कि हम इसको रूट वाइज सेम कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो √x + 1 का जो कोफिशेंट है वो 3 है, और इस तरफ √x + 1 का जो कोफिशेंट है वो 2 है, तो हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आएंगे। तो ये √2 √x + 1 यहाँ आकर माइनस हुआ,
सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस का 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 मौजूद है और इस तरफ माइनस का 3 है, इट मीन्स ये जो है वो लेस है, तो हम इसको इस तरफ भेजेंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ भेजा और इसको यहाँ भेजा, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 2x-1 + 3x-1 = जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इस साइड पर, ये सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा और टेल से जहाँ पर बात स्टार्ट हो रही है वो यहाँ आकर साइन को ऑपोजिट कर लेगा। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास बना 5√x-1 = 3-2 = 1 और 1 को हम ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं होता। जी स्टूडेंट्स अब इस स्टेज पर हमें क्या करना होगा, रूट को फाइनलाइज करने के लिए, रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट वाइट बोर्ड पर जगह ना होने की वजह से मैं ऐसे थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ 25 × x-1 = x + 1, क्लियर। यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट से कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x प्लस 1 हमें मिलेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो ये बना हमारे पास 25x-25 = x + 1। तो अगेन आप देखिएगा कि हमारे पास दोनों एंड्स पर x की टर्म्स मौजूद हैं, तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो मैक्सिमम हम इसी लेफ्ट हैंड पे रखेंगे और राइट हैंड साइड से x यहाँ आकर माइनस हुआ, प्लस 1 सेम एज इट इज़ ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 24x = 26 एंड x = 26/24। आप मज़ीद इसको कटिंग कर सकते हैं, देखिएगा ये दोनों एंड में आपने देखा ये इवन नंबर्स हैं, लास्ट डिजिट्स 6 और 4, इट मीन्स ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4। आप मज़ीद आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 13 इज़ द प्राइम नंबर। जी स्टूडेंट्स प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर पर ही जो है वो डिवाइड हो सकता है, मीन्स इटसेल्फ होगा 13/13 होगा, तो फिर हम इसको कटिंग करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है हमारे पास। जी स्टूडेंट ये जो x का आंसर आया, अगेन आप इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कीजिए और लेफ्ट और राइट साइड हमारी इक्वल आएगी। हम इसकी सेटिस्फेक्शन करने के लिए, इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए अगेन हम इसमें वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं। जी स्टूडेंट x = 13/12 को इसमें हम सब्सिट्यूट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये यही आंसर है जिस हमने फाइंड किया था। जी स्टूडेंट्स चेक की तरफ आते हैं, 13/12 + 1 + 13/12 - 1 डिवाइडेड बाय 13/12 + 1 - 13/12 - 1। जी स्टूडेंट्स ध्यान कीजिएगा, जब भी आप जब इसको वेरिफिकेशन के लिए या चेक करने के लिए जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट को राइट साइड पर या राइट को लेफ्ट साइड पर नहीं लेकर आना आपने। जी तो स्टूडेंट एलसीएम है 12 + 13 √25/12, मैं इस तरह डायरेक्ट लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। इसी तरह प्लस 12 1s are 12, 13 - 12 = 1/12 डिवाइडेड बाय अगेन 25/12 - 1/12। जी स्टूडेंट नेक्स्ट आप ये देखिए कि √25 = 5 बिकॉज 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है। तो नेक्स्ट हम इस तरफ लिख लेते हैं इसको, ये स्टूडेंट बना 5/√12 प्लस स्टूडेंट 1 का √1 हुआ करेगा और √12 सेम एज इट इज़ डिवाइडेड बाय अगेन 5/√12
minus 1 over under root 12 is equal to 3/2. जी स्टूडेंट्स, अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ एलसीएम है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी एलसीएम है. तो हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन के लिए, वन टाइम 12 अंडर रूट. तो स्टूडेंट्स ये बना 5+1 होल फ्रैक्शन एंड अगेन अंडर रूट 12 5-1 इज इक्वल टू 3/2. जी स्टूडेंट्स, ये बना 6, ये बना 4 और ये 12 से कैंसिल, बिकॉज ये डबल फ्रैक्शन है. जब ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऑपोजिट होगी, तो हम डायरेक्ट इसको 12 से एलिमिनेट कर देंगे. हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया 6/4 इज इक्वल टू 3/2. जी स्टूडेंट्स, अगेन इसको कटिंग की जा सकती है, 2 3s are and 2 2s are. तो हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई कर गया. इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन सेट था वो 13/12 था, 13/12 था. क्लियर? जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लीनियर इक्वेशन बनानी जो है सीखनी है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ है. जो हम डेली लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो हम लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीनियर इक्वेशन को बनाना सीखना होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहा गया है कि एडिंग वन टू अ ट्वाइस ऑफ अ नंबर, यानी कि ऐड करो एक को एक नंबर का डबल होना. यानी कि आप ये देख सकते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स. अब उसने क्या कहा, ट्वाइस ऑफ अ नंबर. इट मीन्स ट्वाइस ऑफ नंबर इज 2x, बिकॉज x एक नंबर है जो कि लेट किया है और उसी का ट्वाइस. और साथ में क्या कहा गया स्टूडेंट्स, एडिंग वन. इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एडिंग वन. तो हमारा 2x+1 बना. आगे देखिए, यहाँ तक की स्टेटमेंट समझ में आ गई. एडिंग वन टू आर ट्वाइस ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर इज x एंड ट्वाइस ऑफ अ नंबर मीन्स 2x एंड देन एडिंग वन 2x+1. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट पर देखिए, नंबर सम इज द सेम एज 7 इज एडिड टू दिस नंबर. यानी कि अगर सेवन को ऐड किया जाए उस नंबर में, तो उसका जो एडिशन है वो सेम आएगा प्रीवियस सेंटेंस के. इस मीन्स सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट हमें क्या दी हुई है, सेकेंड कंडीशन. ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी. सेकेंड कंडीशन में स्टूडेंट हमें कहा गया है वही नंबर है जो कि x था, उसमें 7 ऐड कर दो और वो नंबर सेम आएगा प्रीवियस एज सम इज सेम एज द 7 इज एडिड टू दिस नंबर. इट मीन्स ये जो सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x+7 आई और सेम उसने बोला, तो फाइनल कंडीशन हमारी क्या बनी, इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, 2x+1 इज इक्वल टू x+7. तो ये रही स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट और ये रहा उसका न्यूमेरिकल वर्क कि किस तरह से हम इसको रिजोल्व करेंगे इनटू लीनियर इक्वेशन. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जाता है कि अली बॉट 10 बुक्स, अली ने 10 बुक्स को परचेस किया, खरीदी. ही गेव 100 rupees टू द शॉपकीपर, उसने 100 rupees जो हैं वो दुकानदार या शॉपकीपर को दिए. देन ही रिटर्न्ड हिम, तो शॉपकीपर ने उसे रिटर्न में 25 rupees दिए. फॉर हाउ मच अमाउंट ही बॉट 1 book, तो बताएं कि उसने एक बुक कितने की खरीदी. अब हम इसको थोड़ा थोड़ा कर इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे.
हमें स्टूडेंट जिसमें जिस चीज़ के बारे में उसने पूछा है, उसने पूछा हाउ फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ वन बुक। तो लेट करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ वन बुक इज एक्स, बिकॉज जिस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है बेसिकली वही हमारा एक्स होगा, अननाउन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमने कहा कि एक बुक की कीमत बतानी है और अली ने उस जैसी 10 बुक्स खरीदी। इट मीन्स अगर हम अमाउंट ऑफ 10 बुक्स की बात करें तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस वन को मल्टीप्लाई, यानी कि वन बुक की प्राइस को मल्टीप्लाई, वन बुक की प्राइस क्या है इस वक्त एक्स है, उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10x। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहां पर देखिएगा कि उसके बाद जो शॉपकीपर था उसने अली को 25 रुपीस वापस भी दिए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या हम पहले लिख लेते हैं बैलेंस अमाउंट, कि हमें बैलेंस अमाउंट कितनी दी हुई है 25 रुपीस, और टोटल पैसे स्टूडेंट्स हमें कितने बताए गए हैं वो नहीं बताए गए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन में स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जी स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट बिल्कुल है 100 रुपीस। तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो 10 बुक्स अली ने परचेज़ की और उसे 25 रुपीस भी मिले, जबकि उसने कितने रुपीस दिए 100 रुपीस। आई रिपीट कि अली ने 10 बुक्स परचेज़ करनी थी जबकि अली के पास 100 रुपीस थे और उसने शॉपकीपर ने उसे वापस 25 रुपीस दिए। बताओ एक बुक की कीमत क्या होगी। लेट किया कि एक बुक की कीमत प्राइस एक्स है और अगर उस जैसी 10 बुक्स आएँ तो हमें क्या करना होगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ये हैं 10 बुक्स की अमाउंट और अली के पास वापस जो बैलेंस आया वो 25 रुपीस का था। तो कंडीशन के मुताबिक अली ने 10 बुक्स परचेज़ की, शॉपकीपर ने उसे, बिकॉज अली के पास चीज़ें आ रही हैं, एक तरह से डेबिट समझ लें, इसको डेबिट समझ लें कि ये अली के पास 10 बुक्स आई और 25 रुपीस भी आए, जबकि अली ने क्या दिया 100 रुपीस दिए, इज इक्वल टू 100 बिकॉज टोटल अमाउंट इज 100। तो यहाँ से स्टूडेंट हम x की वैल्यू निकालेंगे, 10x इज इक्वल टू 100 माइनस 25, 10x इज इक्वल टू 75 एंड x इज इक्वल टू 75 बाय 10 विच इज इक्वल टू 7.5। x इज इक्वल टू 7.5, इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक बुक की कीमत, यानी कि प्राइस ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 7.5। तो ये बेसिकली एक बुक की प्राइस थी। अगर स्टूडेंट अगेन, बिकॉज हमने पहले ही कहा कि ये लीनियर इक्वेशन है, अगर ये x का आंसर, यानी कि इस x के आंसर को दोबारा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 10 टाइम 7.5 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। तो ये स्टूडेंट 75 रुपीस बने और ये 25 रुपीस बने, इज इक्वल टू 100 एंड 100 इज इक्वल टू 100। जी स्टूडेंट्स आपने देखा, आप एक तरह से इसको खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन सही किया या गलत किया। आप उस x के आंसर को वापस उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेफ्ट और राइट साइड जब आपकी इक्वल आए इट मींस योर आंसर इज़ करेक्ट। क्लियर जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उस जैसा है। अली एंड हसन हैड 80 रुपीज़ इन टोटल
अली और हसन के पास टोटल अमाउंट 80 रुपीज़ थी। हमें ये नहीं कहा गया कि अली के पास कितने रुपीज़ थे और हसन के पास कितने रुपीज़ थे। बेसिकली हमें यही फाइंड आउट करना है। इफ़ हसन हैड 4 times ऑफ अलीज़ अमाउंट, अगर हसन के पास 4 गुना ज़्यादा पैसे हैं अली के निस्बत, फाइंड देयर अमाउंट्स, तो बताइए उनके पास कितने रुपीज़ थे दोनों के पास। तो लेट करते हैं स्टूडेंट, लेट करते हैं कि अलीस अमाउंट एक्स है और हसन अमाउंट्स इज 4x, बिकॉज हसन के पास 4 गुना ज़्यादा पैसे हैं अली के नस्बत, और इन दोनों का जो सम है वो, यानी कि दोनों की अमाउंट्स का जो सम है वो 80 है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इन दोनों की प्राइजेस ले लीजिए, x प्लस 4x इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इज 80। यहाँ हम लिख भी लेते हैं कि टोटल अमाउंट हमारी कितनी है, 80 RS 80। जी स्टूडेंट्स, 5x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 80/5 एंड x इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स, x का आंसर 16 आया। बेसिकली जो x लेट किया था वो अली अमाउंट थी, ये बेसिकली अली अमाउंट आ गई, अलीस अमाउंट इज इक्वल टू 16 रुपीज़। बिकॉज हसन की अमाउंट इसे 4 times है, तो हसन की अमाउंट हमने क्या लेट की थी, हसन अमाउंट इज इक्वल टू 4x। तो आप स्टूडेंट x की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कीजिए, x इज इक्वल टू 16 एंड 16 4 are 64, हसन अमाउंट 64। जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि अगर हम 16 + 64 करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 80 रुपीज़ ही बनेगा।